पनवेल शहर में नए से चलाए जा रहे पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभाग ने 6 महीने में 83,12,77,084 रुपए की वसूली अर्थात रेवेन्यू जमा किया है। 6 महीने में इतना ज्यादा रेवेन्यू जमा करने वाला पहला आरटीओ कार्यालय है। खबर विस्तार से। पनवेल शहर में नए से चलाए जा रहे पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभाग ने 6 महीने के भीतर ही 83,12,77,084 रुपयों की वसूली अर्थात रेवेन्यू जमा किया है। हम आपको बता दें कि पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभाग के परिक्षेत्र में उरण, पनवेल, कर्जत और खालापुर जैसे 4 क्षेत्र के वाहनों के रजिस्ट्रेशन और अन्य कामकाज किए जाते हैं। इन 4 क्षेत्रों का काम पहले पेन आरटीओ में किया जाता था, जिसमें पनवेल, उरण, कर्जत, खालापुर के वाहन धारकों को पेन जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और पैसे की बर्बादी होती थी। लेकिन पनवेल में आरटीओ कार्यालय शुरू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिली। कुल 6 महीने के भीतर ही पनवेल आरटीओ के कर्मचारियों ने 83,12,77,084 रुपए की वसूली कर सबसे ज्यादा महसूल जमा करने वाला पहला आरटीओ कार्यालय पनवेल का है। इस पूरे अभियान के बारे में सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कृष्णदेव यादव ने विस्तृत जानकारी दी। मोटर वाहन कायदा चांगल्या प्रकारे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपण रस्त्यावर आपल्या अंमलबजावणी पथकांचं काम सुरू असतं, त्यांना एक ठराविक प्रकारचा लक्षण दिला जातो, त्याप्रमाणे रेव्हेन्यू म्हणजे टॅक्स आणि दंड वसुली अनेक जे मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत जे काही गुन्हे घडतात, फॉर एक्झाम्पल ओव्हरलोड ऑफ गुड्स, ओव्हरल म्हणजे भार क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक केली जाते, एखाद्या आसन क्षमतेपेक्षा म्हणजे वाहनामध्ये 6, 7, 15 प्रवाशांची क्षमता असतानासुद्धा त्यामध्ये जास्त प्रवासी वाहून नेले जातात, अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांच्यावर आपण कारवाई करतो। 1 एप्रिल 2011 ते साधारण 1-10 पर्यंत आपण अशा 1,843 वाहनांच्यावर कारवाई केलेली आहे, त्यापैकी साधारणपणे दंड वसुली आपली 10,13,06,800 आपण केलेली असून एकूण वसुली आपली फक्त रस्त्यावरची आपली वसुली ही 16,21,04,531 अशी आहे।